दिखाई दे रही ये तस्वीरें सेक्टर 23 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की हैं, जहां पर एक बंद मकान के ताले तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने लाखों के आभूषण, लाइसेंसी रिवॉल्वर, 16 कारतूस और 1,00,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया है। आपको बता दें कि महिला अपने बच्चों के साथ भाई की शादी में पानीपत गई थी और वापस लौटने पर चोरी का पता लगा, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस ने जांच के बाद चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुबह हमें डायल 112 एक कॉल प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 23 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मकान नंबर 2976 में एक चोरी की वारदात हुई है, जिस सूचना पर हम गए थे और वहाँ पर सुमन पत्नी रमेश हमें हाजिर मिली, जिसने बताया कि मैं शादी में गई हुई थी और आज सुबह ही वापस आई हूँ वहाँ से, और जब मैंने आके देखा तो मेरा घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और घर से कुछ सोने के आभूषण में चांदी के आभूषण की चोरी हुई है। वह एक लाइसेंसी रिवॉल्वर 16 जिंदा राउंड चोरी हुई बयान हुए हैं। मूल रूप से गांव गामड़ी निवासी सुमन ने सिटी थाना पुलिस को बताया कि वो कालूपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और फिलहाल सेक्टर 23 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किराए के मकान में रहती है, और जब वो शादी में गई थी तो इसी दौरान चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मैं शादी में गई थी 29 की रात को, और भाई की शादी थी चाचा के लड़के की पानीपत, तो मैं वहाँ से आज सुबह आई 8 बजे आ ली थी। मैं यहाँ आते ही मैंने देखा कि ना बेटे ने दरवाजा खोलते देखा, बोले मम्मी ताला टूटा हुआ है, फिर मेन का भी ताला टूटा हुआ अंदर से, फिर अंदर आके देखा कि ना सारी अलमारी वगैरह 10,00,000 की ज्वेलरी थी सोने की जो थी, 2 किलो चांदी थी और 1,00,000 रुपये कैश था घर में, और मेरे हस्बैंड की और मेरा ज्वाइंट असला था, रिवॉल्वर थी 16 कारतूस से जो यूज नहीं हुए थे वो भी साथ में ले गए। लाइसेंस की थी? हाँ लाइसेंस की थी जी, हमारी NOC वगैरह सब कुछ ओरिजिनल चीज़ थी।